पाठ्यक्रम में फैला हुआ है। आध्यात्मिक मंदिर, सुंदर उद्यान, गौशाला, ध्यान पीठम और सुंदर परिदृश्य जलना, और यहाँ पर जलना का इंटर कॉलेज है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी सुंदरता है प्रकृति की यहाँ। तो अभी हम ले रहे हैं एंजॉय यहाँ का, और ठंड भी ठीक ठाक है यहाँ। बेहतरीन सुबह से हम अपनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का हमारा प्लान बन रहे हैं ढोल आश्रम अल्मोड़ा। और दोस्तों मेरे साथ मेरा एक दोस्त और आ रहा है जो मुझे खैरना गर्म पानी मार्केट से मिलेगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे ब्लॉग में अंत तक, बहुत बढ़िया ब्लॉग रहेगा। ढोल आश्रम जो बहुत ही बढ़िया दृश्य और सुंदरता अपने आप पर समेटे हुए है। तो दोस्तों बने रहे हमारे ब्लॉग में और आपको वहाँ के बारे में और वहाँ का सीन आपको देखने को मिलेगा काफ़ी, और सफ़र भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और हम जाएंगे बाइक। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं खैरना मार्केट में, और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और मैं उसका वेट कर रहा हूं अपने दोस्त का। तो दोस्तों अभी 2 मिनट में आऊंगा बोल रहे हैं। A few moments later. ये बंदा आ गया है भैया। हेलो भैया। भैया बढ़िया बढ़िया, और कैसा है? बढ़िया है। तो गाइस अभी पहुंच चुका है हमारे साथ राहुल, और अभी आए हैं भाई और अभी जाएंगे ढोल आश्रम। ढोल आश्रम के लिए निकले अभी, वहाँ को आपको दिखाएंगे अभी कैसे रोते रहेगा मोबाइल में। बाकी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं बोले। ओके अभी हम मिलते हैं आपको, और अभी दिखाएंगे आपका रोड व्यू अल्मोड़ा का, काफी अच्छा व्यू आपको व्यू देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। नीरज भाई हेलमेट पहन रहे हैं और काफी ठंडा है, खैना गर्म पानी पे आपको दिखा सकते हैं आगा व्यू। और हमारी बाइक ये रही पल्सर, बाइक स्टार्ट करते हैं और हम जाने लगे ढोल आश्रम, फिर मिलते हैं। अभी हम पहुंचे हैं, पता नहीं कहां पहुंचे, पता नहीं कहां पहुंच गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हम भी पहली बार ही आ रहे हैं और आपको यहां का व्यू दिखा देते हैं। वैसे भी बहुत अच्छा, आप पीछे देख सकते हैं हमारे इधर अल्मोड़ा है, ऊपर से आए हैं हम अल्मोड़ा से नीचे को, और आपको दिखाते।
नहीं हूँ मैं वैसे, खाली यार पहाड़ का एक गुंडा आदमी हूँ मैं। गुंडा वाला लोग पाल गया हूँ मैं आज। मैंने कहा झाड़ू खींचने में गुंडा बनना फायदा है। बहुत अच्छा टैप था और बहुत बढ़िया सीन दिख रहा है, गजब गुंडा। इतना भी जुम्मत करा, इतना भी सुंदर नहीं हूँ यार मैं। गाइस यहाँ थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा है, अभी बाइक चलाते चलाते हो रहा था ठंड, ऐसा बहुत गर्मी होने लगी और ये अब जैकेट भी थोड़ा सा वो लग रहा था क्योंकि धूप लगी है, उसकी वजह से भी थोड़ा लग रहा कि हाँ थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा है और धूप भी इतनी अच्छी खिल रही है। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं जलना और यहाँ पर जलना का इंटर कॉलेज है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी सुंदरता है प्रकृति की यहाँ। तो अभी हम ले रहे हैं एंजॉय यहाँ का और ठंड भी ठीक ठाक है यहाँ। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम डोल आश्रम में और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। गेट पर पहुंच गए हैं और यहाँ हमने बाइक पार कर ली। चलिए दोस्तों, श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम के बारे में आपको बताते हैं। श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। उत्तराखंड में यह आश्रम निकटवर्ती डोल गाँव के कारण डोल आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यह आश्रम गहरे शांत मौन के साथ अल्मोड़ा के रास्ते पर घने हिमालय जंगलों के बीच स्थित है। यह घने जंगल की पहाड़ियों पर 8 एकड़ में फैला हुआ है। आध्यात्मिक मंदिर, सुंदर उद्यान, गौशाला, ध्यान पीठम और सुंदर परिदृश्य संरचना इस आश्रम को वास्तुकता का दिव्य, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्यपूर्ण नमूना बनाती है। कल्याणिका हिमालय देवस्थानों वैदिक ज्ञान, योग, ध्यान और आयुर्वेद और ज्योतिष का एक आध्यात्मिक ज्ञान केंद्र भी है और आश्रम वंचित परिवार के बच्चों के लिए एक संस्कृत गुरुकुल भी चलाता है। अप्रैल 2018 में डोल आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र स्थापित किया, जिसका वजन श्रीयंत्र ध्यान पीठम के अंदर लगभग 1.6 टन था। यह श्रीयंत्र समृद्धि और शांति फैलाने वाला एक आध्यात्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र है। कल्याणिका डोल आश्रम दुनिया में भारतीय वैदिक विरासत और आध्यात्मिक संस्कृति का प्रसार कर रहा है। योगी गाइस, मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई ख़त्म और मैं बना रहा हूँ अभी ये राहुल के फ़ोन से वीडियो और आपको दिखाई दे रहा होगा क्वालिटी कैसी आ रही है वीडियो की। और तो दोस्तों अब निकलते हैं हम यहाँ से डोल आश्रम से और टाइम बहुत हो चुका है, लेट हो चुके हैं और वैसे हम लेट हो चुके थे पहले से ही। तो दोस्तों और आपने अंत तक अगर मेरा ब्लॉग दिखाया है तो बहुत धन्यवाद आपका और मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें और इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत मेहनत करते हैं नीरज भाई हमारे, बात तो सही है। जी हाँ, यहाँ से कैसे आते हैं, अप डाउन करते हैं और ब्लॉग भी शूट करते हैं और बहुत
बहुत टाइम लेके मतलब वीडियो बनाते हैं अच्छी सी, बहुत तो अच्छा। आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ राहुल के फ़ोन में से, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई खत्म और राहुल ने इतने वीडियो बना दिए कि मतलब बैटरी ही ख़त्म कर दी है। और अब तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, यहीं पर ही हम ब्लॉग समाप्त कर देंगे। तो और फिर उसके बाद हम जाएंगे खाना वाना खा के कहीं रेस्टोरेंट में खा के, और फिर चले जाएंगे हम अपने घर को, और ये भी अपने घर को चले जाएगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग में। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भूलना मत बिल्कुल। और जो लोग देख रहे हैं वो अपना मतलब एक निशानी छोड़ दे कमेंट में कि हाँ हमने ब्लॉग देखा है आपका, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, धन्यवाद।